नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं श्री हरिवंश और आप देख रहे हैं द डिवाइन आवर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए मौजूद है भागवत कथा जगत के सूर्य माने जाने वाले ऐसे प्रख्यात कथावाचक जिन्होंने भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में, विश्व के कई कंट्रीज में, यूके, यूएसए, यूरोप और भी कई सारे देशों में आपने भागवत धर्म, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का प्रचार किया है। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री कृष्णचंद्र शास्त्री श्री ठाकुर जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी हमारे साथ जुड़ने। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम महाराज जी कैसे हैं आप? मैं एकदम स्वस्थ हूँ, गोविंद की कृपा है। मैं महाराज जी आपसे चर्चा करूं, लेकिन सबसे पहला मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। आप 4 दशक से कथा कर रहे हैं, 47 वर्ष आपकी कथा यात्रा रही है। ये कोरोना काल 2 वर्ष कैसा व्यतीत रहा? एक दृष्टि से देखा जाए तो कोरोना काल ने बहुत बड़ी भयावह स्थिति को जन्म दिया, क्योंकि 10 फरवरी सन 1975 से भागवत कथा कर रहा हूं मैं। मध्य मध्य में एक दो राम कथा भी करता हूं, कुछ गीता प्रवचन उपनिषदों की व्याख्या भी होती है। मुझे इतना वृंदावन में विश्राम का अवसर कभी नहीं मिला। प्यार जी का दर्शन, वृंदावन में रहना, ग्रंथावलोकन, ये सब अवसर खूब मिला। और एक दृष्टि से ये भयावह स्थिति ये रही, हमारा कृष्ण प्रेम संस्थान जिसके द्वारा अनेक प्रकल्प चलते हैं, चाहे वो भक्ति पथ गोकुलम गो सेवा का विनम्र प्रयास हो, चाहे श्री रामानुज भागवत वेद वेदांग विद्यालय और अन्य कई प्रकल्प चलते हैं जो व्यय साध्य हैं, उनमें थोड़ी सी तकलीफ हुई। लेकिन भागवत तो कल्प वृक्ष है, साक्षात गोविंद का स्वरूप है जी। संपूर्ण विश्व के लोग तकलीफ में आ गए, तो उसमें तो हम सबको भी आना ही था। लेकिन गोविंद की कृपा ये रही कि स्वास्थ्य बढ़िया रहा, कोरोना का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकोप हम पर और हमारे परिवार पर कदाचित नहीं हुआ। वैसे हम लोग नित्य योगा, नित्य मॉर्निंग वॉक, भ्रमण, ये सब करते ही हैं, प्राणायाम आदि, तो सब ठीक रहा। नित्य आप भ्रमण करते हैं? हाँ जी। आपने अभी खुद ही बताया कि आप पहले एक दिन भी, एक रात भी, मतलब आज कथा करके आए, सुबह मिलना नहीं हो पाना, तो ऐसे लगातार आप 1.5 वर्ष रहे, तो कभी ऐसा भी लगा कि आप बहुत ज्यादा दिन रह लिए वृंदावन, अब वापस कथा में चले, मतलब एक ये अनुभव कैसा रहा? कभी कभी मैं इंद्रेश की माँ से वार्ता करता था, तो वो तो कहती थी कि बहुत अच्छा है आप यहाँ कम से कम परिवार में, भक्तों के मध्य में हैं। हमने कहा पर इतने दिन बिना सत्संग के तो आदत नहीं है रहने की। जी, 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 लेकिन अब ठीक है जी। लगभग आपने 1275 कथाएं की हुई हैं, 1300-1300 के करीब, और हमने तो सुना कि आप महीने में 3-3, 4-4 कथाएं कर लेते थे, तो इतनी कथाओं के बाद इतनी लंबी यात्रा, फिर अचानक से ऐसा समय। इस कोरोना काल ने महाराज जी क्या सिखाया लोगों को, अगर आप एक शॉर्ट में अगर एक संदेश देना चाहेंगे, इससे क्या सीखा, क्या अनुभव रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना ने हमको ये सिखाया कि जो हमारी प्राचीन पद्धति है जी, प्राचीन संस्कृति है, खान पान की शुद्धि, आहार शुद्धौ सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, आहार की शुद्धि से सात्विकता आती है और सात्विकता से बुद्धि शुद्ध रहती है जी, जी। और बुद्धि शुद्ध रहेगी तो विचार हमारे प्रखर और निर्मल होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो कर्म बढ़िया होगा, कर्म बढ़िया होगा तो फल निश्चित बढ़िया मिलेगा जी, जी। जैसे हमारे यहाँ कोई मिलता था तो कहते प्रणाम जी, परंपरा रही थी, नमस्ते कीजिए। अब यूरोप आदि, अमेरिकन आदि देशों में जाता हूं, बीच रोड पे लोग मिल रहे हैं और चुम्बन ले रहे हैं, मुंह से मुंह चुम्बन ले रहे, कुत्ते को गोद में लेके जा रहे हैं, कुत्ते का चुम्बन ले रहे भले आदमी। कुत्ते को डंडा मारना पाप है, कुत्ते को तकलीफ देना पाप है,
कुत्ते को रोटी नहीं देना, उसको अन्न नहीं देना, उसको समय पर भोजन नहीं देना पाप है, लेकिन कुत्ते को गोद में बिठाकर चुम्बन लेना मुंह से मुंह मिलाकर डबल पाप है। तो उसका तुम उसकी परवरिश करो, ऐसे बड़ों का आदर, उनको चरणों को दूर से प्रणाम करो, हाथ जोड़कर प्रणाम करो। मैं तो टीवी में कई बार देखा इस पद्धति को यूरोपियन लोग अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर में भी लगभग सभी प्राइम मिनिस्टर्स ने दूर से ही प्रणाम नमस्ते करना सीख लिया जी, नमस्ते करना जी। मैंने कई राष्ट्राध्यक्षों को टीवी पर देखा एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो पहले उनकी आदत थी ना ऐसे करते थे, फिर यूं करते थे, तो फिर यूं करके फिर यूं कोने से कोने मिला रहे हैं। ये मैंने टीवी में देखा, बड़ी हंसी भी आई मुझे। तो ये हमारी पद्धति है, खान पान की शुद्धि करो, और शिक्षा हमें ये मिली शुद्ध शाकाहारी बनो, जियो और जीने दो, प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है, और अपने द्वारा हम कितने जीवों की सेवा कर सकते हैं उनकी सेवा का भाव रखो। सेवा का भाव का तात्पर्य यह नहीं है कि उनको हम चुम्बनी मुंह से मुंह मिला करके लें, उसके दूर से उसकी सेवा कर सब प्रकार से, क्योंकि हमारे शरीर की जो स्थिति है वो दूसरे ढंग की है, और कुत्ता है चाहे अन्य पशु हैं, उनके शरीर की बनगत दूसरे तरीके की है, तो उनकी हमें सहायता करनी है, सहयोग करना है, सेवा भी करना है, पर इसका भी ध्यान रखना है। तो शिक्षा ये मिली कि खूब भगवत चिंतन करो। भगवान गीता में कहते हैं तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, प्रत्येक काल में मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। तो हम कर्मयोगी बने और भगवान का स्मरण करें, शुद्ध शाकाहारी बने, तो केवल कोरोना ही नहीं किसी भी प्रकार का वायरस आपके ऊपर अपना प्रकोप नहीं कर सकता। महाराज जी एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपका ये डे टू डे का शेड्यूल ये क्या रहता होगा? सुबह आप 10 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना, फिर आपका योगा मेडिटेशन प्राणायाम, फिर उसके बाद आपका व्यक्तिगत अध्ययन स्वाध्याय, आप फिर परिवार, ये सारी चीज में बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये असल में कैसे मैनेज करते हैं? ये तो मेरे स्वभाव में मेरी आदत में आ गया जी जी। रात्रि को 10:30 के बाद मैं कभी जगता नहीं हूँ। नहीं महाराज जी मैं स्पष्ट कर दूं, ये बात मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि एक तो आपका व्यक्तिगत अनुभव है और फिर आज आप अभी यह अनुभव शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको देख के हजारों लोगों को एक प्रेरणा भी मिलेंगी कि वो अपने डे टू डे लाइफ को कैसे जिए। जी हमारे शास्त्रों में लिखा है रात्रि को 10 बजे के बाद जागना मना है और सवेरे 4 बजे के बाद सोना मना है। जी जो आदमी 12 महीने 10:30 बजे बिल्कुल सो जाए और 4:30 तक बिल्कुल जग जाए बिना किसी विशेष कारण के, उसके शरीर में कोई भयंकर रोग नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है। दूसरी बात, मेरे गुरुदेव अनंत श्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य जो भारत के अद्भुत महापुरुष थे, तत्वज्ञ मनीषी नैष्टिक बाद ब्रह्मचारी, और उनके नित्य कर्मों को हम लोग देखते थे, मैं उनकी सेवा में रहा और भी कई छात्र रहते, तो उनसे हम लोगों को सीख मिली। हम यूं घर में कोई विवाह आ जाए, शादी हो जाए, कोई घर में साल में एक आध कोई बड़ा उत्सव आ जाए तो 2-3 घंटे ज्यादा जगना पड़े बात अलग है, मैं 10:30 तक बिल्कुल सो जाता हूँ और रात 4 बजे 4:15 बजे में जग ही जाता हूँ, और जगने के बाद मेरा पहला ही काम है कि 4:30 तक मैं घर छोड़ देता हूँ, गर्मी के दिनों में 4:30 बजे और जाड़े के दिनों में यानी ठंडी के समय में 5:15 बजे मैं मॉर्निंग वॉक पर निकल जाता हूँ और 8 किलोमीटर में घूमता हूँ बिल्कुल, जिसमें 1 किलोमीटर थोड़ा तेज यानी दौड़ता हूँ और बाकी घूमता हूँ, ये मेरी आदत है। और वहां से आते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले संध्या वंदन ब्राह्मण का धर्म है, हिंदुत्व का धर्म है, और फिर मैं नित्य हवन करता हूँ, नित्य अग्निहोत्र अग्निहोत्र हाँ जी, हवन करने से पहले मैं अन्न ग्रहण नहीं करता, चाहे आप कहीं भी रहें आप नित्य हवन, दुनिया के किसी कोने में रहूं हवन के बाद में फिर मैं बाल भोग नाश्ता लेता हूँ अन्न, हवन से पहले मैं थोड़े फल ले लेता हूँ और हवन के बाद फिर अन्न ग्रहण करता हूँ, पूजा के बाद में फिर अपना अध्ययन नित्य का नियम और कथाएं होती हैं तो 1:30-2 बजे तैयार हो जाता हूँ कथा के लिए, और भोजन कम लेना
फल आदि ज्यादा ग्रहण करना ये मेरे स्वभाव में है। तो मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ। अभी मैं 61 वर्ष पूर्ण कर लिया, जी 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 जी, 62 रनिंग चल रही है मेरी। और मुझे स्मरण नहीं है कि कभी मुझे बहुत बड़ा भयंकर कभी बुखार आया हो या कभी मैं हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ, मुझे याद नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कभी कभी आप हॉस्पिटल जाएं भी ना, आप इसी प्रकार स्वस्थ रहें और सबको प्रेरणा देते रहें। और परम पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज से भी हम टिप्स लेते रहते हैं। बड़ी अनन्यता है आपकी, देखा है, उनका बड़ा स्नेह है और बड़े अच्छे महापुरुष हैं वो। उन्होंने योग के माध्यम से पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से स्वामी जी ने योग की क्रांति जो बहुत बड़ी क्रांति की है और इसलिए वो वंदनीय है। और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए इस दृष्टि से उतनी कम है। जी जी, मैं अन्य चर्चा करूं। महाराज जी, एक सवाल और है आपसे मेरा। आपने बताया आपके पूज्य गुरुदेव श्री रामानुज संप्रदाय से रहे हैं, आप रामानुज संप्रदाय से हैं, रामानुज से हैं, तो मैंने देखा इस संप्रदाय की एक पहचान रही है कि लोग जो तिलक लगाते हैं मध्य में लाल जैसा आपने लगाया है और दोनों तरफ से सफेद, लेकिन आप दोनों तरफ से पीला चंदन लगाते हैं फिर मध्य में लाल, आखिर ये कैसा है, थोड़ा सा आप बताएं। वो तो ऐसे ही कहते हैं कि तीनों ने लगा सके तो कम से कम लाल तो लगाएं। जी जी जी। अब क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ और चंदन लगाने की मेरी आदत है, जी जी जी, तो पूरे चंदन माथे पे लगाता हूँ। इसका एक और कारण है, जी जी जी, कि हम लोग कथा करते हैं तो आगे 40-40 हैलोजन लगती हैं। जी जी जी। तो मुझे मेरे सदगुरुदेव कहा करते थे कि ये मलियागिरी चंदन जो हम लोग लगाते हैं ना, जी जी जी, मलियागिरी चंदन केसर युक्त यदि माथे पर लगाएं तो हेलोजनों का दुष्प्रभाव आंखों पर कभी नहीं हो सकता। अगर संप्रदाय के दृष्टिकोण से देखा जाए कि जो एक पहचान है जैसे गौड़िया की अलग, निम्बार्कियों की अलग, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। हमारी चार वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र सनकाह चत्वार क्षिति पावका। तो श्री संप्रदाय हम लोग हैं, हम लोग श्री वैष्णव कहे जाते हैं। रामानुज संप्रदाय तो हमारे यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण जो एक ही तत्व हैं, उन तीनों में किसी की भी उपासना करें या तीनों की करें कोई दिक्कत नहीं है। उस दृष्टि से नारायण मंत्र रहता है, गुरु मंत्र। ऐसे गौड़ीय संप्रदाय है, माध्व संप्रदाय जिसको कहते हैं, और बल्लभ संप्रदाय है, जी जी जी, जगत गुरु श्री बल्लभाचार्य जी महाराज की, और निम्बार्क संप्रदाय है, आदरणीय निम्बार्क आचार्य जी जो सनत कुमारों से प्रारंभ हुई। ये समस्त संप्रदायों का तत्व एक है, इनका मूल मंत्र एक है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। तो उसमें हम लोग श्री वैष्णव हैं, सब कृष्ण का प्रतिपादन और उनकी पूजा करते हैं। आपने ये बात बहुत बड़ी बात कह दी महाराज जी कि सभी संप्रदायों का मूल एक ही है, कृष्ण की, भगवान कृष्ण की प्राप्ति। कई बार जो संप्रदायवाद को लेके लोग बाग लड़ते हैं या चर्चाएं होती हैं, लेकिन सबके मूल में भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की प्राप्ति। दे दे आपके सुपुत्र आदरणीय श्री चिरंजीवी श्री इंद्रेश जी उपाध्याय लगाते हैं, लेकिन आपको लेकर महाराज जी सभी लोग प्यार से श्री ठाकुर जी बोलते हैं। आपका पूरा नाम भी जब तक श्री ठाकुर जी ना लगे तब तक जो है। तो महाराज जी, ये श्री ठाकुर जी के पीछे क्या है, ये कोई उपाधि है, ये श्री ठाकुर जी कैसे लगते हैं? तो क्या है, मैं जब बहुत छोटा था ना, जी केवल 8 वर्ष का था, जी जी जी, तो हमारे ब्रज में छोटे छोटे बाल जो है वो राधा कृष्ण का रूप धारण करते हैं, रासलीला कृष्ण लीला करते हैं, उसमें छोटे ही बच्चे बनते थे उन दिनों, बड़ों को नहीं बनाते। तो मैं बहुत छोटा था तो यहाँ रासलीला संस्थान में ठाकुर जी बना। अब वो इतना लोगों को मेरा अभिनय प्रिय लगा कि मेरे सदगुरुदेव ने मुझे ठाकुर जी कहना ही शुरू कर दिया, मेरे सदगुरुदेव। तो फिर सब लोग ठाकुर जी नाम से ही पुकारने लगे, और मेरे ख्याल से दुनिया में इस नाम से ही दास को जानते हैं लोग, सब लोग आपके। तो इसीलिए ठाकुर जी हो गया, और ये कोई उपाधि नहीं है। महाराज जी, क्या कोई अन्य पुराणों में आपकी कभी रुचि नहीं हुई, या पुराने समय में एक नारा चला था आओ चलो वेदों की ओर वापस चले, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पुराणों की जगह सीधे वेदों की व्याख्या की जाए? वेदों का अध्ययन तो हम बचपन से करते हैं, आज भी मैं नित्य वेदाध्ययन करता हूं आत्मज्ञान के लिए। यत एतत निश्वसतम
ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरस इतिहास पुराणानि वेदानां पंचमो वेद। तो वेद परमात्मा के श्वासों से प्रकट है, वेद किसी मनुष्य की कृति नहीं है। तो वेद का अध्ययन हम लोग करते हैं, लेकिन भागवत क्या है? वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषदों का सार भागवत है जी। वेदों के मंत्रों की बृहत व्याख्या भागवत में है, उपनिषदों के मंत्रों की बड़ी सुंदर सरल और सहज सरस व्याख्या श्रीमद् भागवत में है। इसलिए भागवत की कथा का मतलब है हमने वेदों की कथा कर ली। बड़े कठिन है वेद, अपौरुषे है ना जी, भगवान के श्वासों से प्रकट है। वेद का रचना की गई, वेद वेद की रचना तो हुई नहीं जी। यत एतत निश्वसितम, परमात्मा के श्वासों से वेद का प्राकट्य हुआ है। जैसे हमारे यहाँ के ऋषि हुए कश्यप, तो बिना अर्थ के तो कोई नाम हमारे यहाँ होता नहीं है। तो किसी ने पूछा कश्यप का मतलब क्या है, बोले पश्यति इति पश्यकः, पश्यति इति पश्यकः, पश्यकः एव कश्यप, जो देख रहा है वो कश्यप है। तो ऐसे वेदों के श्लोकों की व्याख्या बड़ी क्लिष्ट और बड़ी विचित्र है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास ने, जो कृष्ण के अवतार हैं, उन्होंने जो वेदांत दर्शन की का प्रणयन किया, तो वेदांत दर्शन के बाद में महर्षि वेदव्यास ने उन वेदों के मंत्रों की व्याख्या को कथानकों के माध्यम से लोगों तक सुलभ बनाने के लिए 18 पुराणों की रचना की, जिसमें श्रीमद् भागवत पुराणों का मुकुटमणि है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 18 जो पुराण है यानी 17 पुराण भागवत के अलावा, उन 17 पुराण में आपको भागवत का महात्म्य मिलेगा। उन 17 पुराणों में भागवत पुराण की महिमा मिलेगी, लेकिन भागवत में किसी पुराण की महिमा नहीं है। 17 पुराण और महाभारत लिखने के बाद व्यास जी ने अंत में भागवत को लिखा, और भागवत के बाद वेद व्यास जी ने कोई रचना नहीं की। इसलिए भागवत की कथा में सबकी कथा आ जाती है, यानी सब पुराणों का, सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का एक प्रकार से सार या गूढ़ तत्व, या ये कहते हैं ना लास्ट का जो आपको मूल विषय वो आपको भागवत जी में मिल जाता है। महाराज जी, एक विषय और बहुत चर्चित है, बहुत सारे युवा कथाकार या कथावाचक आपको आइडल मानते हैं, आपको देख करके, आपकी कथाओं को सुन करके कथावाचक बनते हैं, कथा क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही एक लॉबी है जिसका यह मानना है कि आपने श्रीमद् भागवत जी की, चाहे आपके वो कथाओं के कैसेट सुन के वो आगे बढ़ रहे हों या फिर वो बुक पढ़ के, आपने श्रीमद् भागवत जी को क्रैश कोर्स बना दिया है, बहुत सारे लोगों का मानना है, आपका क्या कहना है इस पर? वो तो हमारी कथाएं जब होती हैं तो हर कथा वो उसका रिकॉर्डिंग होती है जी जी जी। अब एक जगह कथा हुई तो उसकी रिकॉर्डिंग को वहां की विदुषी माता ने श्रवण किया, जो बड़ी पढ़ी लिखी, और उन्होंने उसको लिख करके प्रकाशित कर दिया, तो उसको लोग फिर पढ़ने लगे। ऐसे ही 96 में मैंने दिल्ली के लाल किला मैदान में वाल्मीकि रामायण की कथा की, अब उसकी भी एक पुस्तक छप गई, उसका नाम हो गया रामायणामृतम, उसको लोग पढ़ करके रामायण करते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए इसको गुरुमुखी करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव के चरणों में बैठ करके पहले व्याकरण पढ़िए, फिर वेदांत पढ़िए, फिर भागवत का व्याकरण के अनुसार अध्ययन करिए, तो फिर उसमें क्या बोलते हैं वो लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसमें नए नए भाव मिलते हैं। तो जैसे कथा में कभी कभी हम कहते हैं कि मैं अमेरिका गया था और वहां लोगों से ये वार्ता हुई। एक बार मैं लंदन में कथा कर रहा था तो वहां किसी ने ऐसा प्रश्न किया, मैं ऐसा किया, तो क्योंकि वो मेरी कैसेट में था ना, वो ग्रंथ में छप गया जी जी जी। वो तो कथा सार, और उसमें लिखा भी है श्री ठाकुर जी द्वारा कथित, यानी लिखित नहीं, कथित नहीं, कथित कथित है। अब जिन लोगों ने भागवत का अध्ययन नहीं किया, गुरुचरणों में बैठ करके नहीं सुना,
अब वो बेचारे उसको रट लेते हैं तो उसको बोल देते हैं, तो कहते हैं कि हम एक बार अमेरिका गए थे, तो किसी ने पूछा तुम कब गए थे अमेरिका, वो ठाकुर जी की किताब में लिखा है। अरे भाई तो वो भागवत थोड़ा ही है, वो तो मैं ना अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मेरा बहुत आग्रह, विनम्रता पूर्वक अध्ययन करिए, ग्रंथावलोकन करना चाहिए, गुरुचरणों में बैठकर अध्ययन करेंगे तो नए नए भाव प्रस्फुटित होंगे आपके जीवन में, आपके मन में। एक और बात मैं आपसे कहूं, भारत के 80% वक्ता मुझे फॉलो करते हैं और मुझे खुशी भी होती है, लेकिन मेरा बेटा मुझे बिल्कुल फॉलो नहीं करता। अब आप आश्चर्य करेंगे, दुख होना चाहिए, प्रसन्नता, प्रसन्नता है इस बार की, प्रसन्नता। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा नकल नहीं करना, ये तो लोग कहेंगे ठाकुर जी का पुत्र है, जो ठाकुर जी कहते थे वही भाव ये कह रहे। मैंने कहा भागवत तो वही है पर आपकी शैली भिन्न होनी चाहिए, आपका उसमें भाव भिन्न होने चाहिए। श्लोकों का गायन जो आप करते हैं वो गायन श्लोकों का भिन्न होना चाहिए। अब मेरे पुत्र के श्लोक गायन को भी आप मुझसे पृथक पाएंगे, उसके जो भजन है संतों की वाणी जो गाते हैं उसके राग आपको अलग मिलेंगे। भागवत की वही कथा वो इस तरीके से कहेंगे कि लोगों को और ज्यादा कर्णप्रिय और रुचिकर लगे। कथा तो वही सुना, हमने देखा भी, युवाओं में बहुत लोकप्रिय भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बेटा नकल नहीं करनी है, अपना अलग स्थिति बनाओ, अपना अलग स्टेज रखो, और वो अध्ययन करता है। आपसे महाराज जी अगर मैं शॉर्ट में संक्षिप्त में पूछूं तो क्योंकि आप एक बहुत सफल कथावाचक रहे हैं, लगभग 80% वक्ता आपको फॉलो करते हैं, तो अगर आज की डेट में सपोज डेट कोई कथावाचक बनना चाहते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे कि मतलब तीन चार चीजें जिसपे जिसको पालन करके या जिसको फॉलो करके या जिसको पढ़ करके वो एक अच्छे सफल कथावाचक बन सकते हैं? देखिए कम से कम 3 वर्ष जी अध्ययन करना चाहिए भागवत जी का। भागवत जी के ऊपर 21 टीका हैं, 21 विद्वानों ने उसमें टीका लिखी है, टीकाएं लिखी हैं। हाँ, उसमें इस विद्वान का मत है कि इस श्लोक का अर्थ ऐसा सुंदर लग रहा है, दूसरा विद्वान कहेंगे इसका भाव ये है, और वो सब संस्कृत में टीकाएं हैं। हैं जी, एकादश टीकाओं का तो ग्रंथ उपलब्ध है, कई टीकाएं बहुत। हाँ जी, तो ऐसे जब बैठ करके हम पढ़ते हैं, शंकराचार्य जी का इसमें क्या मत है, माध्वाचार्य जी इसमें क्या कह रहे हैं, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की टीका में इस श्लोक का क्या व्याख्या है, रामानुज संप्रदाय के जो महापुरुष हैं उन्होंने इसमें क्या व्याख्या की है, तो इससे अपना अंदर से हम स्ट्रांग बनते हैं। जी, आपके पास कंटेंट रहता है, नॉलेज रहता है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी। आप कभी विद्वानों के बीच में कथा हो तो विद्वानों को तो अब वहां खाली गाने बजाने से तो काम चलेगा नहीं, विद्वानों को तो विद्वत्ता चाहिए। इसलिए अब देखिए, मेरे गुरुदेव जब थे तो एक छावड़ा जी थे दिल्ली के, उन्होंने मेरी बहुत कथाएं जगह जगह तीर्थों में कराते थे, 1000-1500 आदमी जा रहे हैं और वहां बैठ करके कथा सुन रहे, बड़े भाव से दोनों टाइम कथा होती थी 9 से 12 दिन से। में ऐसी हाँ कथा का समय था जी। अब वो जगन्नाथपुरी में जब कथा हुई उस समय वहां के शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज बड़े गजब विद्वान हैं जी, और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे संन्यास परंपरा में इतना अद्भुत विद्वान वर्तमान में संभवतः मैंने तो नहीं देखा। तो छावड़ा जी वहां गए और बोले महाराज जी 6 महीने बाद हम लोग यहाँ कथा रखना चाहते हैं, तो हमारा मन हुआ कि शंकराचार्य मठ में ही भागवत हो, तो शंकराचार्य ने मना कर दिया, बोल नहीं 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 आजकल लोग कथा बता तो करते नहीं है, सब ढोलक पीटते हैं और सब डांस हो रहा है, ढोलक पिट रही है और क्या क्या फिल्मी तर्जों पर गीत ना रहे हैं, और हमारे मठ में तो ये हम लोग, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम कोई और ग्राउंड देख के आते हैं। वो जाने लगे तो ये बात बता रहा हूं मैं आपको, 27-28 वर्ष पहले की, जब चिरंजीव इंद्रेश का जन्म नहीं हुआ था, मेरे गुरुदेव थे, गुरुदेव को पधारे 25 साल हो गए। जब जाने लगे तो शंकराचार्य महाप्रभु ने कहा सुनो कथा कौन करेंगे,
तो बोले वृंदावन के जी ठाकुर जी करेंगे, श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी। तो बोले सुनो, यहाँ ठाकुर जी तो रामानुज प्रपन्नाचार्य जी के शिष्य हैं और उन्होंने तो गुरुदेव से भागवत का बड़ा अद्भुत अध्ययन किया है, तो उनकी कथा यदि है तो मैं स्थान दे दूंगा, यहां करो कथा। और पूज्य महाराज श्री ने बड़ी भावना से कहा कि आगामी 6 महीने बाद जो नवरात्र तुम बता रहे हो उसमें यद्यपि मेरा कहीं प्रवास है, मेरा कहीं सत्संग है, पर मैं प्रयास करूंगा कि वो सत्संग अपना आगे पीछे में कोई डेट दे दूं, मेरे सेवक दे देंगे और मैं भी उस कथा में 8 दिन रहूंगा। शंकराचार्य जी ने कहा, ये आपकी कथा सुनी भी है। हाँ जी, अब आप आश्चर्य करेंगे, उस कथा में मेरे शिक्षा गुरु स्वामी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज वो भी थे। उस कथा में हमारे भारत के वर्तमान शीर्ष संत स्वामी गुरुसोनानंद जी महाराज भी थे। उस कथा में मेरे दीक्षा गुरुदेव भी थे और उस कथा में जितना समय मिलता पूज्य शंकराचार्य महाप्रभु पधारते थे, उनका भी अच्छा हम लोगों ने मंच बनवाया था। तो प्रथम दिवस की कथा जब मैं करके उठा और पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उन्होंने उठा के मुझे गले से लगाया और मेरे गुरुदेव की ओर देखकर बोले, रामानुज जी बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला। और वहां का जो विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी पुरी में, आप आश्चर्य करेंगे, 8 दिन उसकी छुट्टी कर दी प्रोफेसरों ने, बोले हम दोनों टाइम कथा सुनेंगे। और मुझे इतना सुख क्योंकि मेरे दोनों गुरुदेव बैठे, मुझे तो ऐसा लगता कि महापुरुषों की गोद में बैठ के कथा कर रहा हूं मैं। नहीं, आपके समय में तो ऐसा रहा भी, हमने सुना बहुत सारी कथाएं जहां भी जिन शहरों में हुई आपकी कथाओं को सुनने के लिए कर्फ्यू लग जाता था, जैसा दुकानें बंद हो जाती थी और लोग दोनों समय कथाएं सुनने के लिए कहते हैं, लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। कि ये इन बातों में सत्यता है, भगवान की कृपा है, लोगों का स्नेह है। और देखिए आज भी श्रोताओं की कमी नहीं है, सुनने वाले अध्यात्म प्रेमी जो शास्त्र की सच्ची चर्चा सुनना चाहते हैं आज भी बहुत हैं। नहीं, आपके गीत, गोपी गीत आदि काफी प्रचलित हुए, लोग बहुत सुनते हैं यूट्यूब। दुनिया का ऐसा कोई राग नहीं है जी, जिस राग में मैं भागवत के श्लोकों का गायन नहीं कर सकूं, करता ही हूं। गोपी गीत, जुगल गीत, भ्रमण गीत, वेणु गीत, विरह गीत, भिक्षु गीत, भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, सबको हम गान करते हैं। और सुख की बात, आनंद की बात ये है कि चिरंजीव इंद्रेश उन गीतों को हमसे भी मधुर गाते हैं, भाव से गाते हैं, संतों की वाणी भी बीच बीच में हमने सुना भी। बहुत 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 अच्छा, बड़ा ये प्रभु की बहुत कृपा है। निश्चित रूप से आपका संस्कार, आपका का जो ज्ञान, सद्ज्ञान जो प्रेरणा है, वो आदरणीय इंद्रेश जी के व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनालिटी में झलकती भी है। और बहुत सहज हैं, बड़े सरल हैं और उनका जो स्वभाव है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। महाराज जी, एक सवाल है मेरा आपसे। रिसेंटली आपने कई सारे वीडियो क्लिप देखे होंगे, कई सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जहां व्यासपीठ में व्यास मूल कथा से इतर अन्य चीजें होना, या एक प्रकार का डांस होना, या समथिंग कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी। आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से चुनाव से पूर्व, जब चुनाव का एक घोषणा हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन एक आचार्य संहिता की घोषणा कर देती है और उसके नियम होते हैं, मतलब जब एक राजनीति में जब एक आचार्य संहिता होती है तो ऐसे ही धर्म जगत में जब कोई व्यक्ति कथा जगत में आए तो यहाँ भी एक धर्म संहिता हो जहां व्यक्ति उन नियमों को माने, जहां जिस प्रकार से उनको एक सर्टिफाइड किया जाए, उनको वेरीफाई किया जाए कि हाँ ये व्यक्ति अब योग्य है, ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इनके पास नॉलेज है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आचार्य संहिता की तरह धर्म संहिता भी होना चाहिए? कथा बिल्कुल होनी चाहिए। किस प्रकार से हो सकता अगर कभी ऐसा है, निर्माण हो कभी इस चीजों का, तो उसमें हमारे शंकराचार्य जुड़े, धर्माचार्य जुड़े और हमारी धर्म परिषद है, विद्वत परिषद जिसको बोलते हैं काशी में, उसका भी एक व्यक्ति उसमें जुड़े और जो प्रखर वक्ता हैं ओजस्वी, उनकी सबकी एक धर्म संसद जिसको बोलते हैं ऐसी रहे। और जितने भी हमारे युवा वक्ता हैं, कभी कभी लंबी उम्र वाले भी कभी कभी कुछ इधर उधर बोल जाते हैं, तो इन सब पर अंकुश रहे। और उसमें ऐसा नहीं, अब जैसे मैंने सुना था एक कोई बेटी कथा कर रही थी और कोई उसकी बहन छोटी सी बच्ची जी, उसने कोई नृत्य कर दिया,
मेरे पास में लोगों ने वो वीडियो क्लिप भेजा, अरे बबेला खड़ा कर दिया, हो गया ये क्या तरीका इनको। मैंने कहा सुनो, वो छोटी बच्ची है, मेरे भारत की बेटी है, ब्राह्मण की बेटी है, यदि उसने ऐसा किया है फोन कर दो, बेटा ऐसा नहीं करते, ये हमारी व्यास परंपरा के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको फोन करके प्यार से समझाओ। ओ समितियां हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, ये सब हो रही हैं, और न्यू हो रहा है, उसका परिणाम क्या हुआ कि कुछ प्रबुद्ध महिलाओं ने इनके खिलाफ मोर्चा उठा दिया। व्यासों की जो जो बातें उन्होंने कही, महाराज मथुरा में जुलूस निकाल दिया कि वो छोटी सी बच्ची बेचारी ने ऐसा कर दिया, फिर उसने माफी भी मांग ली। किसी से अबू कई बार वाणी फिसल जाती है, 12-13 साल की बच्ची, कई चीजें हो जाती है, बड़े-बड़े लोगों से मिस्टेक हो जाती है मिस्टेक, तो उसको प्यार से समझा दे, फिर वो कभी नहीं करेगी। अब उसका इतना बड़ा जो हम लोग प्रोपेगंडा बना देते हैं, सभाएं हो रही हैं, और बड़े मुझे भी बुलाए उस सभाओं में, तुम आओ, मैंने कहा सुनो मैं आऊंगा भी नहीं और तुम ऐसी सभा करना भी नहीं, तुमको पता नहीं है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ ये सूत्र हैं, हम लोग कोई इस्लामिक लोग नहीं है, जहां नारी की जो दुर्गति है सब लोग जानते हैं, ये हिंदुत्व है, ये सनातन संस्कृति है, हमारे यहाँ नारी का बहुत आदर होता है। ठीक है, गलती तो व्यास भी करते हैं, पुरुष नहीं करते क्या, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो हम तो कहते हैं कि व्यास गद्दी पर बैठने वाला चाहे पुरुष है चाहे प्रवचन गद्दी पर बैठने वाली नारी है, यदि ये दोनों में से भी कोई वाणी के द्वारा अपने अपने व्यवहार के द्वारा कुछ गलती व्यास मंच के विपरीत हम देख रहे हैं, उनको प्यार से फोन करो, व्यास जी ऐसा नहीं कहना चाहिए, देखो आपको टीवी पर हजारों लोग देख रहे हैं, वाणी में ऐसा मत रखिए, आप इसको इस तरीके से कहिए, शास्त्रों में इसकी ये व्याख्या है, एक सीनियर और एक समझदार होने के नाते वो गाइड करें। हम तो कहते हैं कि पुरुष भी गलती करे व्यास गद्दी पर, उसको भी प्यार से फोन करके समझाओ, या उनको आप बुजुर्ग हैं तो उनको अपने पास बुला के समझाओ, उनके लिए भी उनके विरोध में हमें कोई ऐसी सभा या ऐसी कोई निंदा नहीं करनी चाहिए। एक समझदारी का एक ये स्वरूप भी है कि अगर कोई दिक्कत है तो आप व्यक्तिगत चर्चा करें, बुलाएं, बात करें। एक चीज मैं और महाराज जी आपसे पूछूंगा, इधर आपने समर्थन दिया और ये अच्छी बात भी है, और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से मानना है कि पुरुषों के साथ महिलाएं भी आजकल तो आप देख रहे हैं, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर फील्ड हो, चाहे किसी भी फील्ड में महिलाएं अब बहुत दूर तक जा रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, और अगर महिलाएं सनातन धर्म का प्रचार करें तो बहुत अच्छी बात है, और आपने समर्थन भी किया। आचार्य संहिता और धर्म संहिता की जो मैं महाराज जी चर्चा कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि कई बार आपने यूपीएससी भारत का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, और वहां से अध्ययन करके व्यक्ति फिर एक जिले का नेतृत्व करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनके ऊपर पूरे जिले की कमांड जिम्मेदारी रहती है, ऐसे ही जो एक धर्माचार्य होते हैं उन पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज को एक सही संदेश देने की और सही प्रकार से आगे बढ़ाने की। कई बार हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में यह भी कहा कि आप धर्मगुरुओं के साथ संवाद करें, धर्मगुरु जैसा कहेंगे उनको लाखों लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। धर्म संहिता का निर्माण होना आवश्यक इसलिए भी है, मुझे लगता है कि जो फिर ये हर जगह से कमांड होगा, सब लोगों पे एक नियम बनेगा। आपने महाराज जी आप 47 वर्षों से कथा कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है, बहुत सारी चीजें बदलती हुई देखी। आपके समय में शुद्ध कथाएं होती थी, आप सुबह 9 से 12 शाम को 3 से 6 कथा करते थे, अब कथाएं केवल 3 घंटे होती है, उसमें बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। वर्तमान रूप से आपको क्या लगता है, जो कथावाचक है ये कथा करते हैं मूल विषय पे कथा कर रहे हैं, या अन्य विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, या अन्य विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, तो कितना उचित है, क्या एक संदेश मुख्य रूप से सभी कथावाचकों को आप देखिए, हम लोग समाज में रहते हैं, समाज की वर्तमान आबोहवा, लोगों का व्यवहार, लोगों का चरित्र चाल और चलन, कथा इनसे भिन्न नहीं हो सकती। अति प्राचीन होने के बाद भी भागवत जैसा आधुनिक ग्रंथ कोई नहीं है। अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, ये हमारे यहां प्रवचन की 3 पद्धति हैं। एक आधिदैविक पद्धति, जो कथा हम करते हैं उसका देव रूप से जोड़ करके करना, जैसे भगवान श्री कृष्ण है तो कृष्ण मानव बन करके पधारे, जो निराकार हैं वो नराकार बन के आया, तो उनकी कथाएं हो रही हैं, ये दैवी कथा है।
अतिदैव, भगवान के पुत्र भी सब देव हैं, भगवान के परंपरा में जितने भी लोग हैं वो निश्चित रूप से पूर्व रूप में देव हैं, तो आदिदैविक हो गई कथा। एक आदि भौतिक का मतलब है उसको वर्तमान से जोड़ करके करना। जैसे कृष्ण क्या है, कृष्ण भूर वाचको शब्द नश्च निर्वृत्ति वाचक तयोर एक्यम पर ब्रह्म कृष्ण नृत्य विधीयते। तो कृष्ण का तात्पर्य होता है कर्म, पूजा करो, पाठ करो, आरती करो, लेकिन कर्म सर्वोपरि है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कृष्ण ये कह रहे हैं, ये हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और गीता में कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, प्रत्येक काल में मेरा स्मरण करो। और युद्ध च, युद्ध मीन्स कर्म। हम केवल भगवान की माला ही जपते रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो कर्म सफल नहीं होगा, और हम केवल कर्म ही करेंगे, भगवान की याद नहीं करेंगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा। तो अधिभूत में कर्म दोनों का समय है। धर्म कर्म से जुड़ करके हम चलें। तीसरा अध्यात्म। अध्यात्म जो है 120% सत्य है। तो भागवत में जितनी कथाएं हैं उसका मूल अध्यात्म है। तो जो हम कथाएं कहते हैं उसको आधुनिक वर्तमान से जोड़कर भी करना चाहिए, उसमें शब्दावली अच्छी हो, हमारी विवेचना बढ़िया हो, शब्दों का चयन सुंदर हो। मूल विषय से ज्यादातर जो हाँ, मूल विषय से आगे तो आप क्योंकि मूल विषय जो है वो आधुनिक परिवेश का ही विषय है। हमारे पुराणों का मतलब क्या है, पुराण, पुरा अपि नवः पुराणः, जो प्राचीन होने पर भी नया है वो पुराण है। और मैं आपको एक बात कह दूं, पुराणों में कोई कथा है ही नहीं, एक कथा नहीं है पुराण में, बेटा ये दवाई खाओ, मेरे को नहीं खानी। अरे खाओ ना, ये तुमको तकलीफ है, उन्होंने मेरे को नहीं खानी, बच्चा नखड़े कर रहा है। तो माँ क्या करती है, आहा मीठी मीठी, देखना कितना मीठा है, उसको बीच में मीठा लड्डू खिला देती है। मीठा लड्डू जाते ही बच्चा संग में कड़वी दवाई खा गया। असर तो कड़वी दवाई करेगी, पर लड्डू के संग खा गया। ऐसे ही पुराणों में जो कथा है ना, वो व्यास जी उन कथानकों के द्वारा अध्यात्म की जो कड़वी डोज है वो देना चाहते हैं, और वो हम ले नहीं रहे, लेते नहीं है ना, इसलिए उसमें कथाएं दे दी, ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, और ये जितनी भी कथाएं हैं ना उसके केंद्र में आप अपने आप को बिठा दो, केंद्र में अपने आप को बिठाइए, तो आपको लगेगा कि ये तो मेरी कथा है, ये सारी घटना मेरे जीवन की घट रही है। ये पुराणों की विशेषता है, ये पुराणों का वैशिष्ट्य है। वो कथाएं अधिदैव रूप से सत्य हैं, उनका नकारा नहीं जा सकता, पर उसके केंद्र में यदि हम अपने आप को बिठा दें कि इसका जो हीरो हूं, इसका जो मुख्य पात्र है वो मैं हूं, तो आपको लगेगा ये मेरी कथा हो रही है, ये अध्यात्म है। महाराज जी ने एक बात बहुत सही कही कि आपने सुना भी बीच में कि अगर आप धर्म के साथ कर्म दोनों का समन्वय यानी बैलेंस बना लेते हैं तो आपके जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। बहुत सारी चर्चा हुई लेकिन अब मैं जल्दी अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। मैं महाराज जी आपसे एक शॉर्ट में एक बात पूछना चाहूंगा। चिरंजीवी इंद्रेश उपाध्याय जी आपके पुत्र भी हैं और आपके शिष्य भी हैं, आपका उनके साथ संबंध कैसा है, एक पुत्र वाला या एक शिष्य वाला, किस प्रकार से आपका उनका ये बॉन्डिंग? वो मेरा शिष्य है। जब वो कथा प्रथम कथा करने जा रहे थे तब उन्होंने मुझसे वैष्णव दीक्षा ली, कोई भी कार्य वो करेंगे मेरी अनुमति लेते हैं, आज्ञाकारी है। माता पिता उनकी बड़ी, तीन बहनें हैं, तीनों का बहुत आदर करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि संतों के प्रति उनकी बहुत निष्ठा और संतों की इंद्रेश पर बहुत कृपा है। ये आनंद की बात है कि वो बिना पूछे मुझसे कोई कार्य करते नहीं है, और ये अति आनंद की बात है कि मैं वही कार्य करूंगा जिसमें इंद्रेश का हित होगा। दूसरी बात, कोई बात पूछे जरूर सहमति दो, बेटे को ये बात अच्छी लग रही है, पर मेरा अनुभव कहता है
कि ये हित में नहीं है। तो वहां थोड़ी मीठी डांट से भी कहना पड़े तो ये अधिकार पिता को प्राप्त है। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे मेरा मैत्री संबंध ही रहता है, बच्चा बड़ा है और फिर इसलिए भी मैत्री संबंध है कि इंद्रेश सुपारी भी नहीं खाता, मैंने कभी उसको सुपारी खाते भी नहीं देखा। किसी भी प्रकार का बचपन से ही कोई व्यसन नहीं। दूसरा, उसके मौसा जी के जो बच्चे हैं, जो इसकी उम्र के हैं, जो परम भक्त हैं, उनसे ही उसकी मैत्री है, बाकी उनके कोई दोस्त या हाँ अध्यात्म जगत के जो हैं, जो उनकी उम्र से 10-5 साल बड़े हैं, उन सबसे भी उनकी आध्यात्मिक मैत्री है। तो मुझे लगता है कि आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है। और कभी हमारी बात का उसने अनुमोदन करते हुए स्वीकारा न हो ऐसा मुझे याद नहीं है। निश्चित रूप से आपके प्रति भी उनका बहुत सद्भाव है, श्रद्धा भाव है, वह देखा भी हमने। ठाकुर जी, आपने हाल में उनके लिए एक उद्योग की भी स्थापना कराई, भक्ति पथ उद्योग के। आप इतने प्रसिद्ध कथाकार हैं, आपने इतनी कथाएं की हैं और इतना बड़ा क्षेत्र है, फिर भक्ति पथ उद्योग की स्थापना की आवश्यकता या कुछ और विषय क्या है, आप थोड़ा स्पष्ट करें। इसमें दो बातें हैं, 47 वर्ष के हमारे आध्यात्मिक जीवन और भगवदीय जीवन में आपने कभी भी मेरे व्यास मंच से जी आपने स्पष्ट किया जी कोई अनाउंस नहीं सुना होगा। कार्य तो हमें बहुत करने होते हैं, ट्रस्ट के द्वारा चलते भी हैं और समाज में जनता से कुछ भी मांगने में हमको बड़ी शर्म आती है, बड़ा संकोच लगता है। अब हमारा तो भागवत ही हमारा सब कुछ है, कल्प वृक्ष उसके नीचे बैठे, तो हम लोग गृहस्थ हैं तो भोजन भी सत्संग से ही चलेगा और किसी भी प्रकार से किसी से मांगने की आदत नहीं है। तो मैंने सोचा कि भक्ति पथ उद्योग, मेरे जो दामाद हैं, बीच के दामाद, उनका अगरबत्ती के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो राजस्थान के, पूरे भारत में जगह जगह के, और बड़ी सुगंधित अगरबत्ती भगवान के पूजा में धूप है, अगरबत्ती है और कई कई प्रोडक्ट लोग बनाते हैं। तो उन्होंने एक सुझाव दिया, क्यों ना हम इंद्रेश जी के नाम से भी ऐसा कुछ कार्य आरंभ करें जो भक्ति से जुड़ा हुआ है, उपासना से जुड़ा हुआ है और कुछ आगे की दृष्टि से कुछ आय भी एक बनेगी परिवार चलाने के लिए। तो मैंने उसमें स्वीकृति दी, उससे कोई बहुत बड़ा उद्योग हम चलाएं या बहुत कुछ कमाई ऐसा तो हमको आता भी नहीं है और ऐसा हम लोग जानते भी नहीं हैं, और वो दामाद जी उसको संभालते हैं अपना समय निकाल के। अच्छी बात है, हमारा जो उद्योग चलाना भी चाहिए, जो उद्योग चलाने से स्वयं का भी और आपके साथ साथ सैकड़ों लोग रहते हैं उनका भी भरण पोषण होता है, साथ ही गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, टैक्स से राष्ट्र निर्माण होता है, तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे अपने ट्रस्ट का यहाँ ऑफिस है, उसमें कुछ लोग कार्य करते हैं, उनके लिए भी कुछ उनका व्यवस्था है, महीनेदारी उनको दी जाती है। गौशाला में हमारे कई लोग, अनेक लोग वहां नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, गौ सेवा करते हैं, झाड़ू बहारी देखते हैं, सब उन सबको भी हम लोग मासिक मंथली ट्रस्ट के माध्यम से देते हैं। आपने भक्ति पथ उद्योग, हाल में आपने भक्ति पथ गोकुलम, भक्ति पथ गुरुकुलम, आपने भक्ति पथ गौशाला, ये सारे प्रकल्प बनाए हैं, ये गौ सेवा को लेकर के क्या भाव है? आप स्वयं मांगते नहीं हैं, आपकी कथाएं शुद्ध रूप से कथाएं होती हैं, फिर आपकी इतनी सारी संस्थान की सेवाएं हैं, चाहे गौ सेवा है, गुरुकुल है, इस सब का समन्वय, क्योंकि बहुत बड़ा एक खर्च, ये बहुत सारी चीजें, गौ सेवा, इन सेवाओं को लेकर के क्या विजन, क्या विचार है आपका? सेवा हमारे यहाँ तकरीबन 35 वर्षों से चल रही है। हमारा भागवत कृपा धाम जो आश्रम है वहाँ थोड़ी गाय रख करके सेवा करते थे और मेरे गुरुदेव ने एक बात कही थी कि बेटा तुम लोग ब्राह्मण हो, हम लोग कथा करते हैं व्यास गद्दी पर, अनुष्ठानिक कथा भी हम करते हैं समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य वृद्धि के लिए और यजमान के पूर्वजों के कल्याण के लिए। तो गुरुदेव ने कहा उसमें श्रद्धा से यजमान जो तुम्हें दक्षिणा देवे
दक्षिणा देने का विधान है ना, जी जी, उस दक्षिणा को तुम अपने परिवार के भरण पोषण में लगाओ, ये ब्राह्मण का अधिकार है, इसको तुम ले सकते हो। लेकिन भागवत में जो अन्य चढ़ावा आता है, ऊपर से लोग चढ़ा गए, आरती में आ गया, कुछ पैसे उसमें आ गए, वो सब गौ सेवा में लगाओ, उसको कभी घर के प्रयोग में नहीं लेना। तो यजमान ने हमको जो व्यास पूजा के रूप में दक्षिणा दी, यदि व्यक्तिगत कथा है तो उसको लेना, ये हमारा धर्म है। जी जी बिल्कुल। लेकिन जनता जो चढ़ाती है, आरती में चढ़ा दिया है जी, सामने आकर थाली में गोलक में डाल दिया, गुरुदेव ने कहा वो सब गौ सेवा में लगाना। तब से गौ सेवा चल रही थी। फिर हमारे ट्रस्ट की स्थापना हुई तकरीबन 35 वर्ष पहले ही, श्री कृष्ण प्रेम संस्थान, ये नाम मेरे गुरुदेव ने दिया। तो अब ट्रस्ट की स्थापना हो गई, एटी जी उसमें हमको प्राप्त हो गया। अब लोग देखते हैं समाज में सत्य के पुजारियों की कमी नहीं है, सच्चाई को जानने वालों की कमी नहीं है। लोगों ने देखा ठाकुर जी क्या तो विद्यालय भी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और देखो गौ सेवा भी हो रही है, और यहाँ ये कार्य भी चल रहे हैं। इतने बड़े ट्रस्ट से कभी अन्न क्षेत्र हम लोग चलाते हैं, कोरोना काल में हमने बहुत सारी सेवाएं की, वितरण किया अपने ट्रस्ट, लोग देख लेते हैं, तो लोग सीधे ट्रस्ट में भेजते हैं। और ये आनंद की बात है कि भारत के जो टॉप 10 लोग हैं, टॉप 10 जो उद्योगपति हैं, उसमें कई उद्योगपति अपने ट्रस्ट से जुड़े हैं और वो सीधे ट्रस्ट में भेजते हैं कि यहाँ से बड़ी सेवा प्रकल्प चल रहे हैं और ठाकुर जी मांगते हैं नहीं, तो उनके द्वारा जो धन ट्रस्ट में आता है वो ट्रस्ट के द्वारा सेवा प्रकल्पों में, चाहे उसमें भक्तिपथ गोकुलम है, भक्तिपथ गुरुकुलम है, या फिर अपने ट्रस्ट के अन्य जो कार्य चलते हैं उससे संचालित होते हैं। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी हाल में चर्चाएं होती हैं कि जो धर्माचार्य हैं, जो कथावाचक हैं, वो अपने ट्रस्टों को, अपने संस्थानों को बढ़ा रहे हैं, अपने मठ मंदिरों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सेवा का कार्य, ऐसे कोरोना काल में जहां श्री ठाकुर जी की 2 वर्ष कथाएं बंद रहीं, उस बीच भी आपकी सेवा जो आपने दीनहीनों में, गरीबों में जो आपने सेवाएं की, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं अपनी बात को विश्राम करूंगा, लेकिन उससे पूर्व ठाकुर जी एक और सवाल है मेरा आपसे। आपने बताया जो है आपके बीच वाले दामाद जी उद्योग में हैं, आप की 3 पुत्रियां हैं, सबका परिवार बस चुका है, आपके पुत्र आदरणीय श्री इंद्रेश जी उपाध्याय बड़ी अच्छी कथा कर रहे हैं, क्या विचार है उनका, कब विवाह आदि का, क्या कैसे? अब देखिए, संतों की कृपा से, गोविंद की कृपा से बहुत संबंध विवाह के लिए, जी जी, अच्छे विप्र परिवारों से, ब्राह्मण परिवारों से आ रहे हैं। जी जी जी। अब हम लोग तो सनातन संस्कृति के एकदम उसको जीते हैं जीवन में, तो मेरा ज्योतिष में भी बहुत विश्वास है। ज्योतिष जो है वो वेदों का नेत्र कहा जाता है। तो बच्चियों के माता पिताओं ने कई जगह से कुंडलियां भेजी हैं और हमारे आचार्यगण कुंडली का मिलान कर रहे हैं। अब जहां सुंदर कुंडली मिल जाए, सुंदर सुशीला पढ़ी लिखी विदुषी भक्त जी, और माता पिता की आज्ञा को पालन करने वाली जी, जी, राधा कृष्ण के चरणों में जिसकी प्रीति जी, ऐसी बहू मेरे घर में आवे। और चिरंजीव इंद्रेश का भक्ति पथ सेवा ट्रस्ट जी, जी, चिरंजीव इंद्रेश जिसको संचालित करते हैं, कभी बहू को समय मिले तो ऑफिस में कुछ देर उसको भी देखे, आजकल तो बच्चियां सब पढ़ी लिखी होती हैं, उसको देखे, और दोनों समय भगवान का भोग प्रसाद बने तो उस प्रसाद को हम लोगों को दे दे, बस दोनों समय का भगवत प्रसाद हमको प्राप्त हो। और हम तो अब चाहते हैं कि इंद्रेश ने सब व्यवस्थाएं अपने हाथ में संभाली हैं, अब खूब भगवान का भजन करें वृंदावन। हम लोग बड़भागी हैं कि हम ब्रजवासी हैं। जी जी। पहला बड़भाग हम ब्रजवासी, दूसरा बड़भाग हम भारतवासी, तीसरा बड़भाग हमारा हम सनातन धर्मी, चौथा बड़भाग हमको भागवत की सेवा का अवसर मिला और वही कार्य मेरे चिरंजीव पुत्र कर रहे हैं। तो सब भगवत कृपा से ये उत्तरोत्तर बढ़े भक्ति परिवार में, ऐसे ही बिटिया घर में आए।
प्रभु से प्रार्थना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं ईश्वर से प्रार्थना, आपकी जो आकांक्षा है वो पूरी हो। हम अपनी कन्वर्सेशन को एंड करेंगे ये डिवाइन आवर को, लेकिन उससे पहले एक हमारा कॉन्सेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको दो ऑप्शन देंगे श्री ठाकुर जी, आपको कोई एक चूज करना और बस आपको जल्दी से जवाब देना है। वर्तमान में धर्म में क्या आवश्यकता है, सद्भाव की या कट्टरता की? सद्भाव की जी। आप पहले क्या करेंगे, गौ सेवा या कथावाचन? गौ सेवा। आप ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, परिवार से या अपने शिष्य जगत से? दोनों से। अगर कहा जाए शिष्यों से प्रेम या परिवार से? परिवार से जो प्रेम हो व्यावहारिक प्रेम है जी जी, और जो शिष्यों से प्रेम है वो आध्यात्मिक प्रेम है, भक्ति का प्रेम है। वर्तमान में कथा जगत में क्या हो रहा है, मूल चर्चा या अन्य चर्चा? अन्य चर्चा ज्यादा हो रही है वर्तमान में, मूल चर्चा थोड़ी घट सी गई है। वर्तमान में जो धर्माचार्य हैं, वह पहले जो धर्म के आचार्य, चाहे वो संत हो, कथावाचक हो, चाहे कोई भी हो, ये पहले क्या कर रहे हैं, क्या बचा रहे हैं, सनातन धर्म की विरासत को या अपने मठ मंदिरों को? अपने मठ मंदिरों को। तो उन्हें पहले धर्म को बचाना चाहिए, धर्म को बचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने इन सभी सवालों का जवाब दिया आज हमारे साथ। निश्चित रूप से आज आपने श्रवण किया परम आदरणीय श्री कृष्णचंद्र शास्त्री श्री ठाकुर जी महाराज को, जिन्होंने 1275 कथाएं की हैं और संपूर्ण विश्व में मैं समझता हूँ यूके, यूएसए, यूरोप, यूके, सभी देशों में आपने श्रीमद् भागवत जी की कथाएं की हैं। और कथावाचकों के लिए, स्पेशली जो नए वक्ता हैं, उनके लिए आप एक आइडल भी हैं। बहुत बहुत आभार आज आप हमारे डिवाइन आवर में जुड़े हमारे साथ। स्पेशली थैंक्स गौरव प्रोडक्शन का भी और आप सभी का भी। आप सब लोग पुनः हम जल्द मिलते हैं किन्हीं ऐसे महान विभूति के साथ, किसी ऐसे धर्माचार्य के साथ जो सनातन धर्म की जो भ्रांतियां उसको दूर करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिए महाराज जी, एक छोटा सा भेंट गौरव प्रोडक्शन की तरफ से आपके लिए। Thank you.